आप सबों का लिविंग हैप्पीली मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जानेंगे जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारे लिए कौन कौन सी ज्यादा अहम भूमिका निभाएगी। तो आज हम जानने जा रहे हैं कि बुजुर्ग लोगों के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए, वो कौन सी पांच खजाना है, कौन सी वो ट्रेजर है जिन्हें की हमें संवार के रखना है, उन पर भरपूर ध्यान देना है। इसमें सबसे पहला जो आता है वह है हमारा शरीर, हमारे अपने शरीर को हेल्दी रखना है, फिट रखना है, किसी के ऊपर फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होना है अपने अंतिम सांस तक। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर को एक ट्रेजर, खजाना के रूप में मानना है। दूसरा आता है फंड। मित्रों, हम सब के लिए फंड की आवश्यकता है, बिना फाइनेंस के, बिना धन का कोई भी काम नहीं हो सकता। तो इसे हमें बड़ा ही बुद्धिमत्तापूर्ण सूझबूझ के साथ ही इसे प्रबंधन करना है ताकि ये कभी खत्म ना हो और हमारे जरूरत पर हमेशा उपलब्ध हो। तीसरा आता है कंपेनियन, सहयोगी, साथी, जैसे कि हमारे स्पाउज होते हैं, पत्नी होते हैं, पति होते हैं, यह हमारे सहयोगी हैं। इनके हमें विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये हमें प्यार करते हैं, भावना देते हैं और हमारे साथ ही लगभग जाते हैं, कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो इनका भी हमें, कंपेनियन का भी काफी ध्यान देना चाहिए। चौथा होता है मित्रों एटीट्यूड, हमारी मनोदृष्टि, मनोदशा, हमारी दृष्टिकोण सोचने की क्या है, इसे हमेशा सकारात्मक बनाए रखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर हम इसे सकारात्मक रखते हैं तो भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम उपयोगी बन सकते हैं। तो अपने एटीट्यूड को ऑलवेज हमें पॉजिटिव रखना है और इसे बदलते रखना है, बदलते रहना है हमेशा, ताकि इसे निरंतर हम पॉजिटिव बनाए रखें। और लास्ट है मित्रों हमारे ट्रेजर जो ओल्ड एज के लिए है, ये है अटैचमेंट। हमें अभ्यास में लाना है डिटैच्ड अटैचमेंट। मित्रों, यह आपको थोड़ा सा अजूबा लग रहा होगा सुनने में, यह डिटैच अटैचमेंट क्या है। हमें अपने आप में जीना सीखना है, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, इस तरह से हमें डिटैच रहना है और एक अटैचमेंट भी होना है, यानी कि हमें अपने संबंधों को आदर देना है। तो इस तरह से इन पांचों को अगर हम बेहतर से समझ ले, तो आइए हम फिर से इसे समराइज कर लेते हैं। इन फाइव ट्रेजर में सबसे पहला होता है बॉडी, जिसके लिए हमें किसी के ऊपर फिजिकल डिपेंडेंस ना हो। दूसरा है फंड, हमारे पास फाइनेंशियल फंड्स सफिशियंट होना चाहिए ताकि हमारे सभी जरूरतों को पूरा किया जा सके। तीसरा है कंपेनियन, अपने साथी की देखभाल हमें करना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई आगे गया, कोई पीछे, दो तीन साल, चार पांच साल का आगे पीछे हो सकता है, तो इनका हमें ध्यान रखना है। और एटीट्यूड मित्रों, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे हमें सकारात्मक बनाए रखने के लिए ऑलवेज इसमें थोड़ा बहुत तब्दीली लाते रहने की आवश्यकता है। और लास्ट है अटैचमेंट, जैसा कि हमने बताया कि हमें अभ्यास में लाना है डिटैच्ड अटैचमेंट। तो आप हमारे साथ बने रहे लिविंग हैप्पीली में, मुझे उम्मीद है कुछ वैल्यू एडिशन किया है अपने ओल्ड एज के ट्रेजर को पहचानने के लिए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।